दिल से को बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों कहा जाता है? दिल से के सीक्वल में क्यों काम करना चाहते हैं शाहरुख खान? दिल से ने कैसे बना दिया सुखविंदर को सुपरस्टार? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, 21 अगस्त 1998 को दिल से रिलीज हुई थी। मूवी रिलीज होने से 1.5 महीने पहले ही यानी 8 जुलाई को इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज हो गया था और म्यूजिक एल्बम में एक गीत था छैया छैया, जो सुखविंदर ने गाया था और इसी गीत को उनके पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये गीत एक लैंडमार्क गीत था। बेशक ये उस वक्त तक ओवरसीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म फ्लॉप रही। पर दोस्तों, फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन छैया छैया गीत एक फिनोमिनल बन गया था और सुखविंदर सिंह एक वक्त सबसे हाईएस्ट पेड प्लेबैक सिंगर बन गए थे। सुखविंदर का जन्म 18 जुलाई 1971 को हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही स्टेज परफॉर्मेंसेस दे चुकने वाले सुखविंदर का छैया छैया पहला प्लेबैक गीत नहीं था। उससे पहले भी वो कई गीतों में अपनी आवाज दे चुके थे, लेकिन पहचान किसी से भी नहीं बन पाई। एक चादर मैली सी, बेनाम रिश्ते, चमत्कार और अंगारे जैसी कितनी ही फिल्में आई और गईं। बेशक उनको सफलता मिलने में देर लगी, लेकिन धीरे धीरे चढ़ने वाले नशे की बात ही कुछ और होती है। स्लमडॉग मिलियनियर के गीत जय हो के लिए जहां गुलजार और रहमान को ऑस्कर मिला था, वहीं सभी लोग जानते हैं कि इसे आवाज सुखविंदर ने ही दी थी और सभी लोग ये भी जानते हैं कि वो आवाज बेहतरीन थी। वहीं आपको बता दें कि सुखविंदर के खुद के शब्दों में उनका कहना है, सही मायने में मेरा एल्बम मुंडा साउथ हॉल्डा यूके में रिलीज होने वाला पहला पंजाबी एल्बम था। शूटिंग के मामले में ये एक मल्टीनेशनल एल्बम कही जा सकती थी। इसकी शूटिंग मोरक्को, ईस्ट अफ्रीका और रूस में हुई। दीपा मेहता जब मॉनसून वेडिंग कर रही थी तो सुखविंदर सिंह उनके पास गीत लेकर आए, कावा कावा। दीपा ने पहले तो गीत ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसमें पंजाबी गीत नहीं फबेगा, लेकिन फिर इस गीत को इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया और ये गीत सुपर हिट भी रहा। दोस्तों, शाहरुख खान और सुखविंदर सिंह एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। सुखविंदर सिंह शाहरुख के साथ वैसा कॉम्बो तो नहीं बनाते जैसा एसपी बाला सुब्रमण्यम और सलमान खान का है, राज कपूर और मुकेश का है, या खुद शाहरुख खान और अभिजीत का कहा जा सकता है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक से एक ब्लॉकबस्टर गीत दिए हैं। दिल से के छैया छैया गीत की बात तो हम कर ही चुके हैं, इसके अलावा दर्द डिस्को, चक दे इंडिया, होले होले हो जाएगा प्यार बलिए जैसे कुछ गाने उदाहरण के रूप में कोट किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एआर रहमान का संगीत सुनने के बाद सुखविंदर उनके फैन हो गए थे। उन्होंने रहमान को लेटर लिखकर संपर्क भी किया। रहमान ने सुखविंदर को बुलाया तो सही, लेकिन गाना गाने के लिए नहीं, गाना लिखने के लिए। दरअसल रहमान चाहते थे कि सुखविंदर गोविंद लिहनानी की मूवी तक्षक के लिए गीत लिखें। सुखविंदर ने रहमान के साथ दोस्ती या मौका भी नहीं गवाया और उनके लिए मुझे रंग दे लिखा, ये गीत भी सुपर हिट रहा था और सुखविंदर और रहमान की दोस्ती का आगाज भी बना। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि दिल से का सीक्वल बने और शाहरुख खान और सुखविंदर सिंह फिर से मिलकर एक ब्लॉकबस्टर गाना दें? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज।